हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्या रिफ्लेक्शन के जो बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो दिया क्या है, सेंटर डिस्टेंस ऑफ सेंटर रेडियस दी गई है आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो आर का हाफ क्या होता है फोकस, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहले हम बना लेते हैं कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके उभरी हुई साइड से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा और फोकस इधर कहीं होगा, तो फोकस प्लस में होगा। ये अगर इसको एक्सिस बना दी जाए तो ये प्लस वाली एक्स एक्सिस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये ऊपर प्लस और ये नीचे माइनस, ठीक है। तो ये फोकस तो प्लस में होगा और पोल 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज 12 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा तो इसकी डिस्टेंस किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो ये माइनस 12 सेंटीमीटर। और जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, हमको निकालना क्या है, v निकालना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको v निकालना है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू v कितना है, 1 अपॉन माइनस 12 प्लस 1 अपॉन v, ठीक है। अब इधर इसको ये चीज निकालनी है, तो ये नंबर नंबर एक तरफ कर लेंगे, 1 अपॉन 10 और ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस तो 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका 10 और 12 को एलसीएम आएगा 60, 10 को डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 6 जा 60 और 6 1 जा 6 प्लस 12 5 जा 60 5 1 जा 5, ये आ गया इक्वल टू 1 अपॉन v, ठीक है। अब 11 6 5 11 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 11, 11 5 जा 55 करी आया, 5 डेसिमल लगाया फिर 50 हो गया, 11 5 जा 55 सेंटीमीटर, ये आ गया v। v इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनती है वो किधर बनती है, इधर कहीं पर इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनती है, तो ये यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इधर की साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया कॉन्वेक्स मिरर पर। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो चेंज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन जरा से, इसको यही क्वेश्चन में चेंजेस कर लेते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स की जगह पर हम क्या करते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव 20 की जगह पर 32 कर दे, 32 और ये कर दे 16 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मिरर होता है उसका फिगर बना लेते हैं ताकि हमको क्या पता चल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर वाले भाग से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर वाले भाग से, तो इधर कहीं सेंटर होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाली साइड माइनस होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सेंटर दिया गया है, रेडियस इसकी दी गई है 32, तो फोकस कितना होगा, फोकस होगा 32 का आधा 16, 16 और किसमें होगा, माइनस का 16, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 16 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा है, तो u इज इक्वल टू, अब भाई ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसको भी माइनस में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16। आप इसी फार्मूले में रख देंगे, 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। 1 अपॉन f कितना है, f कितना है, माइनस का 16, और 1 अपॉन v रोक देते हैं, 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन माइनस का 16 प्लस 1 अपॉन
वी, ठीक है। अब ये नंबर नंबर एक तरफ ले लेंगे, वन अपॉन माइनस का 16 प्लस वन अपॉन 16 इज इक्वल टू वन अपॉन वी। सिक्सटीन तो 16 ये माइनस का ये 16 है, ये हो जाएगा प्लस का 16, ये तो कट जाएगा, ये तो जीरो हो गया। वन अपॉन वी इज इक्वल टू जीरो, तो वी इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, तो वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई चीज फोकस पे होती है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, आप हमको मालूम है कि जो एक्सिस मेन एक्सिस के पैरेलल में जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर पर से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, ठीक है। तो ये जा रही है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इनका इमेज कहां पर बनेगा, ये पैरेलल है तो इनका इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन इनफाइनाइट पर, इसकी जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पर बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। तो ये सॉल्व हो गया हम लोगों का क्वेश्चन इसके बेसिस पे।